चौमुहा विकास खंड के गांव तरौली में 5 दिवसीय श्री स्वामी बाबा के मंदिर पर आयोजित मेले में जन सैलाब उमड़ पड़ा। मेले में लगी दुकानों पर महिला खरीदारी करती हुई नजर आई। गांव तरौली स्थित स्वामी बाबा मंदिर पर कार्तिक माह में एकादशी से पूर्णिमा तक लगने वाले स्वामी बाबा मेले में दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने स्वामी बाबा के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया, तो वहीं मान्यता के अनुसार कुष्ठ और चर्म रोगियों ने मंदिर के निकट बने कुंड की रज का शरीर पर लेप लगाकर स्नान किया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं ने मेले में लगी दुकानों से अपनी जरूरत के सामान की खरीदारी की। बच्चे झूले का आनंद लेते हुए दिखाई दिए। मेले में आए एक श्रद्धालु ने बताया कि भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय ने 7 माह की उम्र में तारकासुर नामक राक्षस का वध किया था, तभी से इस गांव का नाम तरौली पड़ा है। भगवान कार्तिकेय ने यहीं तपस्या की थी, जिनकी इस जगह पर मूर्ति भी निकली, जिसकी स्थापना कराकर यहां मंदिर निर्माण कराया गया है। प्रत्येक सोमवार को श्रद्धालु भगवान स्वामी बाबा के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। मान्यता है कि मंदिर के पास ही बने कुंड में स्नान कर उसकी रज का शरीर पर लेप करने से कुष्ठ और चर्म रोग दूर हो जाते हैं। यह श्री स्वामी बाबा का मेला है, शंकर जी के पुत्र कार्तिकेय जी। यह तालाब है स्वामी बाबा का, इसमें नहाने से शरीर के अंदर जो भी दाग धब्बे चर्म रोग हैं, कुष्ठ रोग हैं, सब सही हो जाते हैं। तो इस मेले को आप कब से देखते आ रहे हैं? हम बचपन से देखते आ रहे हैं हम तो इस मेले को। हमारी बचपन के क्या महत्व है, तो दाग दवाई सही हो जाते हैं, ऐसी क्या प्रक्रिया है? इसमें रज, इसमें से रज निकालते नहाते हैं, रज इसमें से रज निकलती है, रज लगा के नहाते हैं साबुन की तरह। और ताड़क ताड़क नामक एक राक्षस था, उसका वध किया था कार्तिकेय जी ने। तो ये यहाँ पर श्रद्धालु मंदिर में जो मेले पर कितने लोग लगा जाते हैं? ओ लाखों की भीड़ होती है यहाँ पर तो सर। और क्या क्या मनोकामना है यहाँ पर? यहाँ पर मुंडन भी होते हैं, गौशाला भी है, इंटर कॉलेज भी है सामने। ये कार्तिक स्वामी का मेला माना जाता है, ब्याह शादियों में बूढ़ा बाबू पुछता है। कब से कब तक रहता है ये? 8 दिन तो सोमवार लगता है इसका, 8 दिन हर सोमवार। और फिर मेला लगता है कार्तिक के महीने। तो यहाँ पर श्रद्धालु नहा रहे हैं और रज से नहा रहे हैं, तो रज की क्या? ये रज की यही महिमा है, रज से ही दाग ठीक होते हैं और बाबा की कृपा उठता है जब ठीक होते हैं। क्या क्या ठीक हो जाते हैं? इससे नहाने से यही ठीक होते हैं, इसमें नहाने से बाबूजी, इससे नहाने से यही ठीक होते हैं, दाग फूल और कोलिया भी आ जाते हैं। उस मेले में लगभग कितने श्रद्धालु आ जाते हैं? इस मेले में लाखों आदमी आ जाता है रोजाना। आप इस मेले को कब से देखते आ रहे हैं? हमने तो जन्म धरे हो जब से ही